शहर से बाहर एक खेत में कुछ किसान गेहूं की कटाई कर रहे थे। वहीं पास में पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस सीन को देख करके आप बता सकते हैं अभी कौन सा ऋतु मौसम चल रहा होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। गेहूं की कटाई हो रही है, इसका मतलब ये गर्मी का मौसम चल रहा है। इंडिया में गेहूं की कटाई मार्च के महीने में होती है। खेत में कटाई कर रहा एक किसान जिसका नाम नीरज था, अपने साथी से कहता है कि उसका बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। तब उसका साथी उससे कहता है, जाओ जाकर पानी पी लो। वह किसान नीरज जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है तो दो कदम चलते ही गिर जाता है। सभी लोग तुरंत दौड़ के उसके पास आ जाते हैं। नीरज खेत के बीचों बीच बेहोश पड़ा हुआ था और उसके शरीर से बहुत तेज पसीना निकल रहा था। एक दूसरा किसान तुरंत दौड़कर पानी लाता है और उसके ऊपर छिड़कने लगता है, लेकिन नीरज को होश नहीं आता। गांव वाले उसे तुरंत शहर के हॉस्पिटल के लिए लेके निकल जाते हैं। सभी लोग शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में उन्हें दो हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। तो क्या आप इन दोनों हॉस्पिटल को देखकर बता सकते हैं वो लोग कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले हॉस्पिटल को ध्यान से देखिए। हॉस्पिटल में अंदर जाने के लिए बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन दूसरा हॉस्पिटल खाली दिख रहा है, इसलिए वो लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे। वो लोग नीरज को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि नीरज की मौत कैसे हो गई है, क्योंकि वो एकदम फिट था, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं थे। केस की छानबीन करने के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बेड पे दो लोग लेटे हुए थे। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे पता चलेगा कि दोनों में से नीरज कौन है? सोचिए सोचिए। पहले वाले आदमी के चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, अब भला मरे हुए आदमी के चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाया जा सकता है? इसका मतलब दूसरा वाला आदमी ही नीरज होगा। मेहुल दूसरे वाले आदमी के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर मेहुल को बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मौत का कारण पता नहीं कर पाए। मैं बॉडी को डॉक्टर संजना की लैब में लेके जा रहा हूँ, वो शायद मौत का कारण पता कर सके। मेहुल नीरज की डेड बॉडी को अपनी कार में रखकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से खुलता है। इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। टू इंटू वन हो जाएगा टू, माइनस वन हो जाएगा वन, थ्री इंटू वन हो जाएगा थ्री, माइनस वन हो जाएगा टू, फोर इंटू वन है फोर, माइनस वन हो जाएगा थ्री, तो एट इंटू वन हो जाएगा एट और माइनस वन हो जाएगा सेवन, मतलब कोड है सेवन। मेहुल कोड सेवन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मेहुल डॉक्टर संजना से कहता है, डॉक्टर संजना मुझे जल्द से जल्द पता करना है कि इस डेड बॉडी की मौत कैसे हुई है, आप जल्दी से जल्दी इसका पता कीजिए। लगभग दो घंटे बाद डॉक्टर संजना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके मेहुल को कॉल करती है और बताती है कि नीरज की मौत जहर की वजह से हुई है और ये जहर उसे खाने के साथ दिया गया था। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेहुल सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या बता सकते हैं ऐसी कौन सी बात है जिसने मेहुल को परेशान कर दिया? सोचिए सोचिए। जब मेहुल खुद नीरज की डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल गया था, तब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नीरज की मौत कैसे हुई थी, और डॉक्टर संजना कह रही है कि नीरज की मौत जहर से हुई है। ये भला कैसे हो सकता है? इतने बड़े डॉक्टर्स को क्यों पता नहीं चला कि नीरज की मौत कैसे हुई? जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे नीरज के गाँव जाकर छानबीन करनी होगी। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर नीरज के गांव की तरफ निकल पड़ता है। नीरज का गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। मेहुल नीरज के गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही मेहुल सबसे पहले नीरज की पत्नी से पूछताछ करता है, तो वो बताती है, सर हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, हमारे किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, पर गांव के एक साहूकार से नीरज ने कुछ कर्ज लिया हुआ था और आए दिन नीरज और साहूकार के बीच बहस होती रहती थी। मुझे साहूकार से जाकर पूछताछ करनी चाहिए, हो सकता है वहाँ से कोई सुराग हाथ लग जाए। मेहुल साहूकार के घर पहुंच जाता है। साहूकार उस समय आराम से केले खा रहा था। मेहुल को अचानक घर के अंदर आता देखकर वो साहूकार चिल्लाने लगता है, अरे कौन हो तुम और बिना पूछे घर के अंदर कैसे आ गए? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और नीरज की मौत के सिलसिले में मैं तुमसे पूछताछ करने आया हूँ। अरे सर मैं तो उस समय घर पे ही नहीं था, मैं स्वेटर और ठंडी का सामान लेने बाजार गया था। साहूकार की बातें सुनकर मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर नीरज की मौत में साहूकार का हाथ है। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।
साहूकार कह रहा था कि वो उस समय बाजार से ठंडी का सामान और स्वेटर लाने गया था। अब भला गर्मियों के महीने में स्वेटर और ठंडी की चीजों की क्या जरूरत। मेहुल उसका झूठ पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। तब वो साहूकार बताता है कि एक दिन वो अपने घर पर गांजे की पुड़िया बना रहा था। वो आसपास के गांव में गांजे की सप्लाई करता है, लेकिन तभी नीरज उसके घर पे आ जाता है और उसे देख लेता है। नीरज साहूकार की सारी सच्चाई जान गया था, इसलिए साहूकार ने एक गुंडे के हाथों नीरज का मर्डर करवा दिया। पर साहूकार मेहुल को बताता है कि उसे ये नहीं पता कि गुंडे ने नीरज को कैसे मारा है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल साहूकार को पुलिस के हवाले कर देता है और केस की सच्चाई जानने के लिए मेहुल उस गुंडे के घर पहुंच जाता है। लेकिन उस गुंडे के घर पे ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो गुंडा महीने में कभी कभी घर आता है और अक्सर शहर में रहता है। अब इतने बड़े शहर में मैं उस गुंडे को कैसे ढूंढूंगा। मेहुल उस गुंडे के घर से उसकी फोटोज कलेक्ट करता है और शहर के अपने सारे जासूसों को भेज देता है। और फिर मेहुल अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। गांव से वापस शहर तक जाने के लिए तीन रास्ते थे। पहला रास्ता सबसे छोटा था, लेकिन उस रास्ते पे सड़क के किनारे बहुत सारे मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे और जो भी वहां से गुजरता है मधुमक्खी उस पर हमला करके उसे मार देती है। दूसरा रास्ता एक नदी के पुल से होकर जाता है। ये रास्ता भी पहले रास्ता जितना शॉर्टकट है, लेकिन नदी के ऊपर बना हुआ पुल काफी डैमेज हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। और तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, जो काफी बड़ा है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल कौन से रास्ते से शहर जाएगा, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल दूसरे रास्ते से तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नदी के ऊपर का पुल डैमेज है और वो कभी भी गिर सकता है। तीसरा रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन मेहुल पहले रास्ते से तो शहर जा सकता है। मेहुल के पास कार है और कार के अंदर मधुमक्खियां मेहुल का कुछ नहीं कर सकती। मेहुल कार के सभी शीशे बंद कर लेता है और पहले वाला शॉर्टकट रास्ता लेकर आराम से शहर में पहुंच जाता है। शहर जाकर मेहुल उस गुंडे के बारे में काफी पता करता है। तो उसे पता चलता है कि उस गुंडे का असली नाम रघुवीर है और वो सुपारी लेके लोगों के हाथ पैर तोड़ता है। मेहुल पूरे शहर में रघुवीर की तलाश करता है, लेकिन उसे रघुवीर नहीं मिलता। मेहुल की खुफिया भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे थे। ये रघुवीर तो बहुत ही शातिर बदमाश है, पूरा शहर झाड़ मारा पर इसका कोई पता नहीं चल रहा है, मुझे दिमाग से काम लेना होगा। शाम होने वाली थी और मेहुल बहुत थक चुका था, उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। वो पास ही एक दुकान में जाता है, जहाँ वह एक बड़ी सी चिप्स का पैकेट लेता है जिसकी कीमत 50 रुपीज थी और उस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं 20% का डिस्काउंट काटने के बाद मेहुल को चिप्स के लिए कितने रुपए देने होंगे? सोचिए सोचिए। बीस का 20% डिस्काउंट मतलब 50 × 12/100 मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट। तो चिप्स का रेट हो जाएगा 50 - 10 40 रुपीज। मेहुल दुकानदार को 40 रुपीज देता है और कुर्सी पे बैठकर आराम से चिप्स खाने लगता है। तभी मेहुल का खबरी मेहुल को खबर देता है कि अभी अभी एक शराब की दुकान में उसने रघुवीर जैसे तीन लोग देखे हैं। मेहुल खाना पीना छोड़कर तुरंत शराब की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। हाईवे पर बहुत ट्रैफिक था, लेकिन जैसे तैसे करके मेहुल शराब की दुकान पर पहुंच जाता है। शराब की दुकान पर बहुत सारे लोग शराब पी रहे थे। मेहुल को वहाँ वो तीन लोग मिल जाते हैं जो रघुवीर के जैसे दिख रहे थे। क्या आप एबीसी को और रघुवीर की असली फोटो को देख के बता सकते हैं इनमें रघुवीर कौन है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये बी वाला आदमी रघुवीर की फोटो जैसा दिख रहा है। ए को तिल है और सी को नेक में एक मार्क है। ओ, तो ये भेस बदल के घूम रहा था, इसलिए ये किसी को मिल नहीं रहा था। मेहुल तुरंत रघुवीर को पकड़ लेता है। मेहुल उसे पकड़कर अपने ऑफिस में ले आता है और सख्ती से पूछताछ करता है। तो रघुवीर बताता है कि साहूकार ने उसे नीरज का मर्डर करने के लिए 40,000 रुपए दिए थे और उसने नीरज को खाने में एक ऐसा केमिकल वाला जहर दिया था जो धूप में आने पर अपना असर करता है और फिर गायब हो जाता है। इसलिए तेज धूप में खेत में काम करते समय अचानक से नीरज की मौत हो गई और डॉक्टर उस चीज को समझ ना पाए। वाह डॉक्टर संजना, इंप्रेस, आपने पता कर लिया। मेहुल रघुवीर को भी साहूकार के साथ जेल में डाल देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल और डॉक्टर संजना रॉक्स।